हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं छोटे बैंगन की सब्ज़ी। तो ये हमने आधा केजी छोटे बैंगन लिए हैं। छोटे बैंगन की सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इसके लिए हमने ये 6 प्याज ले लिए और ये हरी मिर्च ले ली 6 ही, और एक बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया है। इसमें हमने सूखे मसाले के लिए सबसे पहले 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, नमक ले लिया है अपने स्वाद के अकॉर्डिंग, और ये हमने लहसुन का पेस्ट ले लिया है। ये हमने सरसों का ऑयल ले लिया है अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, हम डालेंगे सब्ज़ी में। तो चलिए सब्ज़ी बनाना करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमने जो बैंगन लिए हैं इनको हम कट करेंगे। प्याज को, हरी मिर्ची को, टमाटर को, सबको कट कर लेंगे। बैंगन हमेशा पानी में ही काटेंगे, क्योंकि अगर बाहर काटेंगे तो ये ब्लैक ब्लैक होने लग जाती है, इसलिए हम पानी में काटेंगे इसको। तो हम सब्ज़ी तैयार करते हैं। सबसे पहले ये हमने बैंगन को काट लिया है बिल्कुल लंबे साइज़ में। प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची इनको भी कट कर लिया। चलिए सब्ज़ी बनाना करते हैं स्टार्ट। इसके लिए हमने गैस का फ्लेम ऑन कर इसके ऊपर कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई के अंदर हम लगभग 1 बड़ा चम्मच सरसों का ऑयल डालते हैं। इसको अच्छे से गर्म होने देते हैं। पहले ऑयल हमारा बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर जो ये करी पत्ता है, इसे सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, और जीरा डाल देते हैं चुटकी भर। इसको भी अच्छे से ब्राउन होने देते हैं। जीरा हमारा ब्राउन हो चुका है, अब इसके अंदर हम प्याज डालेंगे। प्याज को थोड़ा फ्राई होने देते हैं। प्याज थोड़ा हल्का फ्राई हो चुका है, अब हम इसके अंदर जो हरी मिर्च काट रखी थी वो डाल देंगे। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं इसके अंदर। इसको भी थोड़ा हल्का फ्राई होने देते हैं। अब हम इसके अंदर सूखे मसाले ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हमने जो लहसुन का पेस्ट लिया था वो डाल देते हैं, और इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए इसके अंदर। लहसुन पकने के बाद हम इसके अंदर हमने जो टमाटर काट के रखे थे वो डाल देते हैं, और अच्छे से मिक्स कर देते हैं इसको। छोटे बैंगन की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। जो कांटे वाले होते हैं उनकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, सभी को बहुत पसंद आएगी। टमाटर डालने के बाद हमें नमक डाल देना चाहिए अपने स्वाद के अनुसार, जिससे क्या है कि टमाटर है वो जल्दी गल जाएंगे और पानी छोड़ देंगे। फिर हम इसके अंदर सूखे मसाले ऐड कर देंगे। टमाटर बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाते हैं। इसको ऐसे करते चम्मच की सहायता से तो अच्छे से मैश हो जाते हैं ये। अब हम इसके अंदर सूखे मसाले ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हमने आधी चम्मच जो हल्दी पाउडर थी वो डाल देते हैं, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब इनको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसके अंदर 1 छोटी चम्मच पानी डाल देंगे, जिससे हमारा मसाला अच्छे से और पक जाए। बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना हमें, और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये देखिए मसाला हमारा रेडी हो चुका है, बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। तेल अलग होने लगा है मसाले से, इसका मतलब हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है।
अब हमने जो बैंगन काट के रखे थे ये वो डाल देते हैं। देखिए हमारे बैंगन ब्लैक नहीं हुए क्योंकि हमने इसको पानी के अंदर काटा है, तो अब हम इसको डाल देते हैं मसाले के अंदर। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी और डालूंगी। वैसे इसमें पानी मत भी डालो तो अभी हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। सूखी सब्जी भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन फिर भी मैं तो इसमें थोड़ी 2 छोटी चम्मच पानी डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। वैसे पानी डालना चाहिए थोड़ा, क्योंकि ये जो बैंगन है ये अच्छी तरह गल जाए, थोड़ा सा पानी डालना चाहिए। और ना भी डालो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बैंगन वैसे भी भाप से ही सॉफ्ट हो जाते हैं। तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया इसके अंदर और मैं इसको अब ढक देती हूँ और लगभग मीडियम फ्लेम पर 2-3 मिनट तक पकने देते हैं इसको। फिर हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगी। हमारे वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। अगर मेरे वीडियो को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए मेरे वीडियो को। कमेंट करके ज़रूर बताइए मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो बने रहें हमारे वीडियो में लास्ट तक। मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा देती हूँ, इसको 2 मिनट तक पकने देती हूँ मीडियम फ्लेम पर। ये हमारी सब्ज़ी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हो बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी है हमारे छोटे बैंगन की। तो अब हम इसको अलग बर्तन में निकाल के सर्व कर लेते हैं। तो ये मेरी बैंगन की सब्ज़ी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है, देख सकते हो। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी हरी सूखी हुई मेथी डाल देती हूँ। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी, ऊपर से इसका फ्लेवर दोगुना बढ़ जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद है तो आप मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद।